और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 25 पर। प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को लेकर पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती से नई संभावनाओं का विकास होगा। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने देहरादून में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। वो बोले कि मेरी दादी पिता देश के लिए शहीद। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा 1971 में जीती जंग शिमला समझौते की टेबल पर हारी। अजय मिश्रा चेनी की बदतमीजी पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। राहुल गांधी ने मांगा चेनी का इस्तीफा। बोले क्रिमिनल है मंत्री, सरकार तुरंत हटा। हंगामे की वजह से दोनों सदन कल 11 बजे तक के लिए स्थगित। अजय मिश्रा चेनी ने इस्तीफे की मांग पर अड़ा। कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में रखी गई 16 शिकायतें, 11 शिकायतों का निपटारा, 5 शिकायतें लगी। फतेहाबाद में वकीलों के जेजीपी नेता अजय चौटाला और विधायक नैना चौटाला ने कार्यक्रम का विरोध किया। वकीलों का कहना था कि कृषि कानून को लेकर जसपा के द्वारा किसानों का साथ नहीं दिया गया। गुरुग्राम के कादरपुर में नगर निगम हरियाणा की पहली शूटिंग रेंज बनाएगा। 28 एकड़ में बनने वाली शूटिंग रेंज के लिए 35 करोड़ की लागत आएगी। चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 104 वर्षीय रामबाई ने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की एथलीट्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर तक हड़ताल पर। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। नूह के फिरोजपुर नमक स्थित बर्मा के रोहिंग्या के शरणार्थी कैंप में भयंकर आग लगी। आग के कारण शरणार्थियों की 32 झुग्गियां जलकर खाक। लोहारू में ईश्वरवाल महाविद्यालय में के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को चलते हिसार सिवानी रोड जाम किया। छात्रों की मांग है कि महाविद्यालय में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। हिसार में 12 क्वार्टर चौकी से कुछ ही दूरी पर ई रिक्शा चालक ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार। दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में हवा की गुणवत्ता में बेहद ही खराब स्थिति। फतेहाबाद में भी 338 दर्ज किया गया AQI। हिसार की आबोहवा बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,974 मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना के 343 कोरोना से मौत हुई। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 77 हुई। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में नए वेरिएंट के 10 मामले हो गए। देश में कोरोना का कहर जारी, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 32 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।